चलो अब हमें देखना है इटैलिक बोर्ड राइटिंग में यू कैसे लिखे, क्योंकि इटैलिक बोर्ड राइटिंग नाम ही है क्रॉस राइटिंग का। सबसे पहले अपना पेज फोल्ड करेंगे, पेज तो ऑलरेडी फोल्ड किया हुआ है, थ्री वर्टिकल लाइंस तो दिखाई भी दे रहे हैं। चलो अब देखते हैं पेन कहाँ रखें। पेन रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, कैपिटल लेटर में राइटिंग बड़ा होगा, स्मॉल लेटर है तो राइटिंग छोटा होगा। ये पेन यहाँ पर रखेंगे, क्रॉस नीचे आएंगे, क्रॉस ऊपर जाएंगे, फिर नीचे क्रॉस लगा ऐसे लगा छोड़ देंगे। ये हुआ ई, ये हुआ यू, यू सॉरी हाँ, देखो ये क्रॉस आएंगे ऊपर जाएंगे नीचे लगा छोड़ेंगे, ये हुआ यू, ऊपर जाएंगे क्रॉस नीचे लगा छोड़ेंगे, ये हुआ यू, ऐसे यू लिखना है। ओके देखते हैं इस यू को दूसरे अल्फाबेट के साथ लिखकर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। यू का हाइट भी सारे इक्वल के बराबर ही में चाहिए, सारे सर्कल्स के इक्वलिटी में चाहिए, ये सारे सर्कल्स है इनके इक्वलिटी में यू का हाइट चाहिए, इससे ऊपर भी नहीं इससे नीचे भी नहीं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लिया छोटी शॉर्ट लाइन, इसके बराबरी में यू पेन को रखेंगे, नीचे क्रॉस आएंगे ऊपर जाकर नीचे लाकर छोड़ देंगे, ये हुआ यू। ओके इस तरह से लिखेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा एक ही नीचे एक लिखते ले आएंगे, वन वन लाइन छोड़ना नहीं, एक ही नीचे एक लिखेंगे तो राइटिंग में रेक्टिफाई रिफॉर्म रिफॉर्मनेस आएगा, इस सुधार आएगा, वरना वन वन लाइन छोड़कर लिखोगे तो उसमें कुछ समझ भी नहीं आएगा, पूरा एक ही नीचे एक लिखते जाएंगे तो राइटिंग में डेवलपमेंट आएगा। ओके अब वी के लिए देखिए दी नेक्स्ट क्लिप।